दोस्तों, हम सभी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। उसी तरह वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स और कंपनियों ने भी कहीं ना कहीं से अपने सफर की शुरुआत की थी। दोस्तों, आज हम आपको लोगों के पसंदीदा ब्रांड्स के पहले प्रोडक्ट की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन फोटोज को देख आपको पता चलेगा कि इनके पहले और अब के प्रोडक्ट्स में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अमेजोन कंपनी के बारे में तो सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अमेजोन अपने शुरुआती दिनों में क्या बेचा करता था? दोस्तों, अमेजोन कंपनी की शुरुआत 1996 में अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में हुई थी। मात्र 4 लोगों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी और सबसे पहले पर बुक्स को बेचना शुरू किया था। जैसे जैसे इनका कारोबार बढ़ता गया, वैसे वैसे अमेजोन प्रोडक्ट्स बनाते गए और आज अमेजोन पूरे विश्व की नंबर वन कंपनी बन चुकी है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दुनिया के दूसरे सबसे फेमस ब्रांड सोनी कंपनी के बारे में। दोस्तों, सोनी आज के समय में टॉप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों में से एक है। जापान की यह कंपनी फिल्म और म्यूजिक के क्षेत्र में भी कारोबार करती है। हालांकि कंपनी को पहचान इसके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की वजह से ही मिली थी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, सोनी का पहला कंज्यूमर प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक राइस कुकर था, लेकिन यह प्रोडक्ट कुछ खास सफल नहीं रहा था। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले सबसे फेमस और महंगे ब्रांड्स एप्पल के बारे में। दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए टीवी, अखबार और इंटरनेट पर तरह तरह के विज्ञापन देती है, पर शायद अमेरिका की एप्पल कंपनी ही दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसे ये सब कुछ करना नहीं पड़ता है, बल्कि उसके प्रोडक्ट जैसे कि आईफोन बाजार में आने से पहले ही बुक हो जाते हैं और लोग उन्हें खरीदने के लिए एप्पल स्टोर के आगे घंटों लाइन में लगे रहते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, एप्पल के शुरुआती दिनों का पहला प्रोडक्ट एक कंप्यूटर था जो कि इस तरह का दिखता था। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले ब्रांड कोलगेट के बारे में। दोस्तों, कोलगेट एक अमेरिकन कंपनी है जो कि फिलहाल टूथपेस्ट और माउथ वॉश जैसे प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, कोलगेट अपने शुरुआती दिनों में साबुन और मोमबत्ती बनाती थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।